हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कबाना और मैं हूं आपके साथ रेबा। सबको लगता है हेल्दी फूड मींस बोरिंग खाना, पर आज मैं जो रेसिपी लाई हूं वो स्पाइसी टेस्टी चटपटा के साथ साथ हेल्दी भी है। इसमें ना कुकिंग की झंझट ना बेकिंग की और सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है स्ट्रीट स्टाइल हेल्दी कॉर्न वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्न वेल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप बॉइल्ड कॉर्न, इमली की चटनी, हरा धनिया, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, अनार के दाने, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी चटनी, बॉइल्ड आलू और लेमन जूस और यहाँ पे बारीक सेवई। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डाल भी सकते हैं या नहीं भी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके एक मिक्सिंग बोल में मिला लेंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे 2 कप बॉइल्ड कॉर्न। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बॉइल्ड आलू। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ अनार के दाने, बारीक कटी हुई धनिया, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 2 से 3 टीस्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी और 2 टीस्पून तीखी हरी चटनी, 1 टीस्पून लेमन जूस और थोड़ी सी बारी सेवैया। ये सेवई ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, और बाकी हम बाद में डालेंगे। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये एक आइडियल स्नैक्स है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं। जिन्हें आलू पसंद नहीं या आलू अवॉइड करना चाहते हैं वो आलू इसमें ना डालें। देखिए हमारा भेल कॉर्न एकदम बन के तैयार है और इसे अब हम सर्व करेंगे। अब एक सर्विंग प्लेट लेंगे और इसमें हम कॉर्न भेल को सर्व करेंगे। वाओ, ये कितना कलरफुल और कितना हेल्दी लग रहा है। आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरी चटनी डाल देंगे, थोड़ा सा इमली चटनी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अनार के दाने और डालेंगे इसमें बारीक सेवई। तो देखिए कितना झटपट और कितना जल्दी हमारा हेल्दी कॉर्न वेल बनके तैयार है। कॉर्न वेल बनाने के लिए ना ही कुकिंग की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग की, और इसमें कोई ऑयल या बटर घी का यूज़ भी नहीं होता है। तो और देर ना करते हुए झटपट बना डाले कॉर्न वेल है, ये बस इंस्टेंट बन जाता है। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई हेल्दी रेसिपी के। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे इस कुकिंग कबाना चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और साइड में रखी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी नए वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।